हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऋषभ पंत के जीवन को लेकर। उनके जीवन के बारे में कुछ कहे अनकहे लम्हों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऋषभ पंत एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग के लिए जाने जाते हैं। क्रिकेट में ऋषभ पंत के आक्रामक अंदाज और बेहतरीन विकेट कीपिंग के कारण कई बार उनकी तुलना महेंद्र सिंह धोनी से भी की जाती है। 30 दिसंबर 2022 को सुबह दिल्ली से रुड़की अपने घर लौटते समय ऋषभ पंत का एक सड़क दुर्घटना का शिकार बन गए। इस रोड एक्सीडेंट में उनके कार सड़क पर डिवाइडर से टकरा गई। इस दुर्घटना में क्रिकेटर ऋषभ पंत को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क दुर्घटना में उनकी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद ऋषभ पंत की कार में भीषण आग लग गई, लेकिन मौके पर स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से ऋषभ पंत को हॉस्पिटल के लिए भिजवा दिया है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऋषभ पंत को सड़क दुर्घटना में पैर, पीठ और सिर पर गंभीर चोट आई हैं। ऋषभ पंत के पैर की चोटें काफ़ी गंभीर हैं, जिसके कारण उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। ऋषभ पंत इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में दिल्ली के कप्तान भी हैं। हालांकि उन्हें जनवरी के पहले सप्ताह में श्रीलंका के साथ होने वाले मुकाबलों के लिए नहीं चुना गया है, लेकिन ऐसे गंभीर रोड एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो चलिए जानेंगे इनके जीवन को लेकर, आखिर इनका जन्म और इनकी शिक्षा और क्रिकेट की दुनिया में इनके शुरुआती दौर को लेकर। हम बात करेंगे इनके जन्म और परिवार के बारे में। ऋषभ पंत का जन्म 4 अक्टूबर 1997 में रुड़की यानी उत्तराखंड भारत में हुआ था। इनके पिताजी का नाम राजेंद्र पंत है। ऋषभ ने अपनी शुरुआती शिक्षा हरिद्वार से ही पूरी की। इसी के साथ उन्होंने अपने शुरुआती क्रिकेट की शुरुआत हरिद्वार से करने के बाद ऋषभ तब क्रिकेट को लेकर बाहर आते जाते रहते थे। एक बार ऋषभ पंत ने राजस्थान के लिए क्रिकेट दौरा किया, तब उन्होंने भारत के सर्वश्रेष्ठ कोचों में से एक कोच तारक मेहता का नाम सुना, जो दिल्ली में खिलाड़ियों को क्रिकेट सिखाया करते थे। ऋषभ पंत ने अपने पिताजी से इस बारे में बात की और अपने पापा को दिल्ली आने के लिए मना कर लिया। ऋषभ पंत के पिताजी ने अपने बेटे के फ्यूचर के लिए समझौता किया और अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए। यहाँ ऋषभ ने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और कोच तारक मेहता की छत्र छाया में अपना क्रिकेट शुरू किया। ऋषभ पंत के शुरुआती जीवन को लेकर बात करेंगे। तारक ने उनकी विकेट कीपिंग को देखा और बहुत प्रभावित हुए, लेकिन तारक उन्हें एक अच्छे विकेट कीपर के साथ एक अच्छे बल्लेबाज भी बनाना चाहते थे, क्योंकि इस समय विकेट कीपिंग होने से ही टीम में सिलेक्शन नहीं होता, आपको एक अच्छा बल्लेबाज भी बनना पड़ेगा। इसलिए तारक मेहता ने ऋषभ पंत को एडम गिलक्रिस्ट के बहुत वीडियो दिखाए। बस फिर क्या था, ऋषभ पंत ने अपने कोच की सुनी और गिलक्रिस्ट से प्रभावित होते गए। उन्होंने उन्हीं की तरह बल्लेबाजी करना शुरू किया, यानी वो भी उल्टे हाथ के थांगड़ बल्लेबाज बन गए। ऋषभ ने शुरुआत में कई क्लब के लिए मैच खेला और विस्फोटक बल्लेबाजी की, जिस वजह से वे मशहूर हो गए। इसी बल्लेबाजी की वजह उनका सिलेक्शन दिल्ली की टीम में रणजी ट्रॉफी के लिए हुआ, जहाँ उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनके इस खेल से राहुल द्रविड़ काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने ऋषभ की सिफारिश अंडर 19 विश्व कप वाली टीम के लिए कर दी। फिर क्या था, उन्होंने जोरदार प्रशंसन किया। ऋषभ पंत का क्रिकेटिंग करियर के शुरुआती दौर को लेकर बात करेंगे। 18 साल की उम्र में ऋषभ ने अपने रणजी खेल की शुरुआत की। 2015 में रणजी के दूसरे ही मुकाबले में अर्धशतक बना डाला। इसी साल 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप की कमान ऋषभ के हाथों में देने की घोषणा हुई। ये विश्व कप बांग्लादेश में होना था, वहां ऋषभ पंत ने 267 रन बनाकर भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। चूंकि ऋषभ पंत काफ़ी तेज और विस्फोटक बल्लेबाज थे और आईपीएल मैच में ऐसे ही खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है, तो 2016 आईपीएल में इन्हें दिल्ली की टीम ने 10 लाख रुपये के आधार
मूल्य से शुरू हुई इस खिलाड़ी को 1.9 करोड़ में खरीद लिया। जिस दिन ऋषभ पंत को आईपीएल के लिए खरीदा गया था उसी दिन ऋषभ ने अंडर 19 विश्व कप में शतक जड़ा था। रणजी 2016-17 सन में महाराष्ट्र के खिलाफ 308 रन बनाकर 13 शतक जड़ दिया और इसी के साथ साथ कम उम्र के 13 शतक बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में 13 शतक बनाया। इस सन में उन्होंने 48 गेंद में शतक भी लगाया और तो और सिर्फ 5 मैच में 44 छक्के लगा दिए। जनवरी 2017 में इनके रणजी के प्रदर्शन को देखते हुए इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारत की T20 टीम में ऋषभ पंत का नाम शामिल किया गया। यहीं से उनके अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत हुई और दोस्तों एक के बाद एक इन्होंने अपना खेल प्रदर्शन दिखाना शुरू किया और टीम इंडिया के लिए इनका सिलेक्शन हमेशा जारी रहा और इसी के साथ इन्होंने आईपीएल में भी अपना प्रदर्शन जारी रखा और एक अच्छे बल्लेबाज और विकेट कीपिंग के नाम से जाने लगे। तो दोस्तों ये थी ऋषभ पंत के जीवन से जुड़ी कुछ जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।